नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये वीडियो मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड पे मैं बना रहा हूं और ये वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कम्प्लीट किचन किट के बारे में, जिसके अंदर दोस्तों मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा जो जो हमें दी जाती हैं, साथ ही में उनके यूजेस भी आपको समझाऊंगा कि उनके क्या क्या यूजेस हैं। सो, अगर गाइज आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आगे भी आने वाली हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि किचन किट होती क्या है। तो दोस्तों, इसके अंदर वो आपको सारे जो भी नेसेसरी टूल्स होते हैं, जो मस्ट हैव टूल्स होते हैं, जब आप दोस्तों किचन या फिर बेकरी के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो उन सारे टूल्स को मिला के दोस्तों आपको एक किट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। इसी को हम लोग किचन किट बोलते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जो इस वीडियो के अंदर किचन किट दिखाने वाला हूँ वो IHM चेन्नई के स्टूडेंट्स को दी जाती है। दोस्तों, जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनके किचन किट में भी दोस्तों इसी तरह के सामान आपको दिखेंगे और मोर और लेस दोस्तों यही चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इस किचन किट के लिए दोस्तों आप लोगों को 2000 से 3000 रुपए तक पे करने पड़ते हैं। दोस्तों, बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स ने मुझे ये कहा है कि हमारे कॉलेजेस में ये किट प्रोवाइड नहीं की जाती है। सो, गाइस, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप लोग खुद से ये चीज़ें परचेज़ कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, ये सारी बातें तो हो गई, अब ज़रा बढ़ते हैं किचन किट की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें दी जाती हैं और साथ ही में दोस्तों इनके क्या क्या यूजेस होते हैं। गाइस, आप लोग देख लीजिए किचन किट दोस्तों कुछ इस तरह का आप लोगों को दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं और इसे फटाफट खोल के देखते हैं कि अंदर आखिरकार क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। पैक काफ़ी ही मोटा होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और आपकी सारी चीज़ों को दोस्तों एक साथ रखने में मदद करता है, जिससे कि दोस्तों आप लोग इसे फटाफट उठा के और किचन में जा सकते हैं। गाइस, इसे हम कहते हैं मेजरिंग कप्स। दोस्तों, ये आपको 4 से 5 दी जाती हैं एक किट के अंदर, और दोस्तों इनकी जो कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, जैसे 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम्स, 250 ग्राम्स, इस तरीके से दोस्तों इसकी जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। और साथ ही में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरे जो दोस्त थे जिन्होंने किचन मैनेजमेंट ट्रेनिंग को क्रैक किया है, दोस्तों उनकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी इन कप्स के साथ कि वो लोग दोस्तों फ्लावर को देखते ही बता देते थे कि ये फ्लावर कितना होगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट चीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं। तो दूसरी चीज़ दोस्तों जो आप लोग देख पा रहे हैं उसको कहते हैं दोस्तों वुडन स्पून। और दोस्तों इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जैसे कि दोस्तों इसके इस्तेमाल से आवाज़ जो होती है दोस्तों यूटेंसिल से वो काफ़ी कम आती है, और साथ ही में दोस्तों इससे जो स्क्रैच होता है वो भी नहीं लगता है यूटेंसिल्स में। सो, ये दोस्तों काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन होता है जब भी हम लोग कुकिंग नॉन स्टिक पैन के अंदर कर रहे होते हैं तब। चलिए दोस्तों, अब अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं डो स्क्रैपर। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है बेकरी के अंदर खासकर। दोस्तों इससे जो है आप लोग अपने डो को कट कर सकते हैं, और साथ ही में दोस्तों जहाँ पे आप लोग अपने डो की प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि टेबल या फिर जो भी फ्लैट सरफेस होती है वहाँ पर, उसको भी दोस्तों आप इसकी मदद से क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों जल्दी से हम लोग अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। सो, दोस्तों ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं इसको बोलते हैं पेस्ट्री ब्रश। दोस्तों इसका बहुत ही बड़ा यूज़ है बेकरी के अंदर, क्योंकि दोस्तों इसी ब्रश की मदद से आप लोग एग वॉश वगैरह जो होता है वो देते हैं, ऑयल वगैरह अप्लाई करना होता है बेकरी प्रोडक्ट्स में, वो चीज़ें करते हैं। सो, ये काफ़ी यूज़फुल होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों जल्दी से बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ।
तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं दोस्तों प्लास्टिक स्पैचुला। दोस्तों इसके यूजेस की मैं बात करूं तो इसका यूज़ दोस्तों एक तो जब आप ऑमलेट बना रहे होते हैं जैसे कि सनी साइड अप, तो उसको फ्लिप वगैरह करने में या फिर नॉर्मल कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि इसका आप वहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे जहाँ पे खाना जो है वो काफ़ी गर्म होता है या फिर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। और साथ ही में दोस्तों इसका एक और यूज़ ये है कि ये भी दोस्तों नॉन स्टिक पैंस जो भी होते हैं उसमें काफ़ी यूज़फुल साबित होता है। दोस्तों अब अगली चीज़ की बात करते हैं, तो ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं पैलेट नाइफ। दोस्तों अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो दोस्तों ये किसी भी चीज़ को स्प्रेड करने के काम आता है, जैसे कि हम लोग किसी भी केक पे जब फ्रॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है हमारे। इसी के साथ दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले सामान की तरफ। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं विस्क। दोस्तों ये काफ़ी काम आता है बेकरी में जब आप केक में बीटिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पर, और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दोस्तों ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसे हम कहते हैं पीलर। दोस्तों कभी भी आपको जब आलू छीलने हो, मतलब उसके छिलके निकालने हो, तो दोस्तों पीलर आपके बहुत काम आएगा। और यही नहीं दोस्तों, दूसरे वेजिटेबल्स भी जिनकी स्किन आपको रिमूव करनी हो तो पीलर बहुत ही अच्छा काम करता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने अगले सामान की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं थर्मोमीटर। दोस्तों इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है किचन के अंदर दोस्तों, खासकर जब आप लोग एग की पोचिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही एग को कुक करना होता है, तो वहाँ पर दोस्तों आप लोग इसका इस्तेमाल करके टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग जल्दी से दूसरा सामान निकालते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो ये चीज़ देख रहे हैं इसको हम कहते हैं दोस्तों पाइपिंग बैग। दोस्तों होता यह है कि इसके अंदर जो भी फिलिंग वगैरह होती है उसको हम लोग फिल कर लेते हैं, ये वाइट वाला जो आप देख रहे हैं इसको हम लगा देते हैं बैग में। और साथ ही में दोस्तों इसके बाद हम लोग लगाते हैं इस पर नोज़ल, जो कि दोस्तों अलग अलग शेप्स का होता है, और इससे दोस्तों हम लोग अलग अलग डिज़ाइंस में जो अपनी फिलिंग है उसको फिल करके और काफ़ी अट्रैक्टिव डिशेस और केक्स को बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये नाइफ है दोस्तों, और जो बड़ी वाली नाइफ है दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं शेफ़ नाइफ। इस नाइफ़ का दोस्तों आप लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे जब भी आपको कोई चीज़ चॉप करनी होगी, स्लाइस करना होगा, या फिर दोस्तों कोई भी तरह के कट वगैरह या फिर वेजिटेबल्स की प्रिपरेशन, मोस्ट ऑफ़ द चीज़ों में दोस्तों आप लोग यही शेफ़ नाइफ़ का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये जो आप छोटी वाली नाइफ़ देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं पेयरिंग नाइफ। दोस्तों इसका यूज़ ये है कि जब आप कभी भी आइस वगैरह होती है पोटैटोज़ की निकालने के लिए तो उसमें इसका यूज़ करते हैं। और साथ ही में दोस्तों अगर आप किसी चीज़ को जल्दी से पील करना चाहते हैं, छोटी मोटी चीज़, तो आप इस नाइफ़ से तुरंत कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग अपनी लास्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं मेजरिंग स्पून्स, और ये भी दोस्तों आपको 5 साइज़ में मिलेगी जो कि अलग अलग कैपेसिटी की होंगी। और वहीं हम इनके यूजेस की बात करें तो दोस्तों इसका यूज़ आप लोग जैसे ऑयल वगैरह होता है उसको थोड़ा सा ले लिया और अपनी डिश में ऐड कर दिया उसके लिए, और साथ ही में दोस्तों इन मेजरिंग स्पून्स का इस्तेमाल हम लोग स्पाइसेस को भी ऐड करने के लिए करते हैं। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।